आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, देश के किन किन राज्यों में गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की तो दिल्ली यूपी समेत देश के इन राज्यों में बारिश से बढ़ेगी सर्दी, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है, वही सर्दी का सितम से जुड़ रहे हरियाणा, राजस्थान, यूपी और पंजाब के लोगों को इस हफ्ते भी यहाँ पर राहत की खबर नहीं है, जहां आगामी दो दिनों तक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर जारी रहेगी। इसके साथ यहां पर शुक्रवार से इसमें और इजाफा हो सकता है। इसकी वजह है मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को आगामी तीन दिनों तक बारिश की संभावना यहाँ पर जताई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से रविवार तक तीन दिन तक हल्की बरसात हो सकती है, यानी बूंदाबांदी यहाँ पर होने के आसार है। हालांकि मौसम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक तीन दिन सुबह के समय यहाँ पर हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है, वही दिन के समय बादल देखने को मिल सकते हैं। वही इस दौरान हवा अपने साथ यहाँ पर हिमपात वाले से मतलब बर्फीले हवा से ठंडी हवा यहाँ पर आएगी। हालांकि रात वाले बात यह होगी कि हवा के चलते प्रदूषण में कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीते चार दिन से भीषण सर्दी का लोग यहाँ पर सामना कर रहे हैं, जहाँ पर कोहरे की मोटी परत और बादलों के चलते यहाँ पर बहुत कम समय के लिए यहाँ पर धूप निकल रही है। वही मौसम विभाग IMD के अनुसार भारत के उत्तरी हिस्सों में आने वाले दिनों में यहाँ पर एक पश्चिम विक्षोभ के चलते यहाँ पर राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वही पश्चिम विक्षोभ के चलते दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है, वही यह 10 डिग्री के ऊपर पहुंच सकता है। वही दिन के समय यहाँ पर कड़ाके की सर्दी और गलन यहाँ पर बनी रहेगी, जहाँ सोमवार के दिन यहाँ पर भी दिल्ली के कई इलाकों में शीतलहर स्थिति देखी गई थी। वही सर्वप्रथम मौसम विभाग केंद्र में यहाँ पर अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री जो की 4 डिग्री सामान्य से कम है, वही न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है जो कि सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। वही मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी 3 दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है, वही दिन के समय यहाँ पर हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान हवा की दिशा भी आमतौर पर उत्तर पश्चिम रहेगी, ऐसे में यहाँ पर हवा अपने साथ हिमपात वाले हिस्से यानी बर्फीले ठंड को लेकर भी आएगी। वही मौसम विभाग के अनुसार आज कई इलाकों में दिल्ली में यहाँ पर मौसम बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही पश्चिम विक्षोभ का असर दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार शाम को यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ के कारण यहाँ पर हल्की से मध्यम गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। यहाँ पर यानी शुक्रवार के दिन यहाँ पर दिल्ली में कई इलाकों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, यानी बारिश यहाँ पर होगी। वही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो हिमाचल प्रदेश में आज बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम करवट लेगा, प्रदेश में 21 जनवरी तक हिमपात और बारिश की संभावना है। वही कल भी यहाँ पर दोपहर के बाद रोहतांग और आसपास के इलाकों में हिमपात हुआ, वही शिमला सहित कुछ जिलों में बूंदाबांदी हुई। वही बादल छाने से और हिमपात के बावजूद भी यहाँ पर न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। वही मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू और यहाँ पर दूसरे जिलों में हिमस्खलन की यहाँ पर चेतावनी जारी की है। वही धुंध के कारण कांगड़ा, उन्नू और ऊना और इसके अलावा बिलासपुर, मंडी जिलों के लोग यहाँ पर परेशान रहे। वही कई इलाकों में यहाँ पर हल्की बर्फबारी और यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। इसके अलावा यहाँ पर कई इलाकों मौसम विभाग की ओर से 21 तारीख तक बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वही बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के मौसम अपडेट की, उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड में यहाँ पर मौसम का जो मिजाज है वो लगातार यहाँ पर बगड़ा बगड़ा रहेगा। वही अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना है, कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना भी यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई, यानी कहीं कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज तो कुछ इलाकों में हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। उत्तराखंड में फिलहाल यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। वहीं कल दोपहर बाद मौसम ने यहाँ पर कई इलाकों में करवट ली, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में और हेमकुंड में यहाँ पर कई इलाकों में बर्फबारी यहाँ पर दर्ज की गई है। वहीं कल दोपहर के बाद मौसम ने यहाँ पर करवट ली है। मंगलवार दोपहर बाद चमोली और चमोली जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, वहीं निचले क्षेत्रों में यहाँ पर तेज हवा के साथ बारिश हुई। वहीं बद्रीनाथ और हेमकुंड और इसके अलावा यहाँ पर फूलों की घाटी और रुद्रनाथ और लाल मोटी और कई इलाकों में यहाँ पर सुबह के समय यहाँ पर कई इलाकों में बर्फबारी यहाँ पर हुई, ऊंचे वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, वही निचले इलाकों में यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर दर्ज की गई है। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो यूपी में पूरे हफ्ते जारी रहेगा सर्दी का सितम, 21 से 23 तक झमाझम बारिश और ओलावृष्टि की है चेतावनी।
उत्तर प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ के कारण एक बार फिर मौसम बदलेगा। वही पश्चिम विक्षोभ इस बार कहर बढ़ पाएगा। वही मौसम विभाग का अलर्ट है कि कई इलाकों में यहाँ पर 19 जनवरी आज सुबह यहाँ पर मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिलेगा। वही उत्तराखंड और यूपी के कई सारे हिस्सों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। यह करीब 5 से 23 जनवरी तक यहाँ पर जारी रहेगी। वही मौसम विज्ञानी को कहना है कि दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 21 से 23 यहाँ पर जनवरी तक अच्छी खासी बारिश हो सकती है। वैसे गुरुवार तक यहाँ पर यूपी के कई जिलों में शीतलहर जारी रहेगी। यही नहीं, शुक्रवार से यहाँ पर इसमें इजाफा हो सकता है। राजधानी लखनऊ में सर्दी अपना सिस्टम यहाँ पर बढ़ा रही है। वही तेज बर्फीली हवा से कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। वैसे सुबह के वक्त कोहरा छाया हुआ था। वही 12 बजे के बाद धूप निकली और ठंड की वजह से यहाँ पर लोग यहाँ पर लाचार रहे। वही मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि यूपी के कई जिलों में आने वाले दिनों में 3 दिन तक यहाँ पर सुबह शाम हल्के कोहरा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वही दिन के समय भी हल्के बादल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वही हवा में अपने जो हवा है वो अपने साथ यहाँ पर हिमपात वाले हिस्सों में बर्फीली ठंड लेकर आएगी। वही ठंड और गलन बने रहने की संभावना बरकरार रहेगी। हालांकि राहत वाली बात यह है कि हवा के चलते यहाँ पर प्रदूषण में यहाँ पर यूपी के कई इलाकों में जो शहर है जहाँ पर प्रदूषण में यहाँ पर कमी आएगी। यानी हवा चलने के कारण प्रदूषण में कई इलाकों में यहाँ पर कमी आएगी। ये मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है। वह यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना यहाँ पर 23 जनवरी तक जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है कि 23 जनवरी तक यहाँ पर कई इलाकों में बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर जारी रह सकता है यूपी के अंदर। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम के हाल की, तो एमपी में यहाँ पर कई इलाकों में ठंड से यहाँ पर हाल बेहाल है। वह वर्तमान में किसी भी प्रभावी वेदर सिस्टम के सक्रिय नहीं रहने से हवा का रुख यहाँ पर उत्तरी बना हुआ है। इसके चलते एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि ठंड और कोहरे के कारण यहाँ पर कई इलाकों में तापमान में जबरदस्त यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। वही कोहरे के चलते यहाँ पर मामूली से उतार चढ़ाव तापमान का सिलसिला यहाँ पर जारी है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कमजोर आवृत्ति के पक्षी विक्षोभ जो है उत्तर भारत में यहाँ पर मंगलवार को पहुंच गया है। उधर शुक्रवार को एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिम विक्षोभ भी उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। सिस्टम से शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाने के कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। इससे कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिलने लगेगी। वही मौसम विभाग केंद्र के मौसम विज्ञानी पी के शाह ने बताया है कि मंगलवार को यहाँ पर कई इलाकों में बारिश हुई है। आज पिंड और इसके अलावा यहाँ पर ग्वालियर अशोकनगर शिवपुरी में शीतलहर का प्रभाव यहाँ पर रह सकता है। वही मौसम विभाग की ओर से अपडेट यहाँ पर दिया गया है। वही राजधानी का अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री दर्ज किया गया है और न्यूनतम तापमान भी यहाँ पर 8.2 डिग्री के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वही तापमान में यहाँ पर गिरावट यहाँ पर आई है। वही मौसम विभाग की वैज्ञानिकों के अनुसार वातावरण में नमी रहने के समय सुबह के समय यहाँ पर कोहरा यहाँ पर बना रहने और रात में अधिक तापमान में गिरावट नहीं हो पा रही है। वही आज भी यहाँ पर आंशिक कोहरा छाए रहने का आसार है। इसके चलते यहाँ पर रात के तापमान में कुछ गिरावट की संभावना एमपी में जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट यहाँ पर दिया गया है। वही एमपी में लगातार यहाँ पर अभी फिलहाल ठंड का दौर जारी है। वही आने वाले दिनों में ठंड से थोड़ी राहत मिलने के आसार यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है कि आने वाले दिनों में एमपी में यहाँ पर लोगों को ठंड से थोड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। वही अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की, तो राजस्थान में 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट। प्रदेश में 21 और 22 जनवरी को एक्टिव होगा नया सिस्टम। राजस्थान के अंदर शीतलहर और कोहरे से राहत नहीं मिली है। वही आने वाले 3 दिन बाद एक और सिस्टम यहां पर भी सक्रिय हो रहा है। वही मौसम विभाग के अनुसार 21 और 22 जनवरी को प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश से सर्दी और कोहरे का जो असर है वो बढ़ जाएगा। वही मौसम विभाग के मुताबिक 21 जनवरी को एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर, कोटा संभाग और पश्चिम राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर जिलों में बारिश होगी। वही दिन में तेज ठंड और घना कोहरे की स्थिति यहाँ पर 48 घंटे तक बनी रहने की संभावना है। वही 22 और 23 जनवरी को यहाँ पर मौसम विभाग के मौसम विज्ञानी राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि 22 और 23 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वही जयपुर का अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री से यहाँ पर 10 डिग्री के आसपास रहने के आसार है। वही कोटा में अधिकतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर तापमान में यहाँ पर अधिकतम जो तापमान है वो 11.2 डिग्री के आसपास आ पहुंचा है। वही मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कोटा और जिले में यहाँ पर और आसपास के जिलों में यहाँ पर कोहरे और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। वह पश्चिम राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और आसपास के जिलों में यहाँ पर तेज सर्दी का असर रहेगा। वह अजमेर और बाराबूंदी, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, सीकर, टोंक और जिलों में शीतलहर और घने कोहरे छाए रहने की संभावना है। यानी यहाँ पर कोहरा वगैरह यहाँ पर छाए रहे। वही बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो बिहार के अंदर कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने के हैं आसार। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट।
बिहार के कई इलाकों में फिलहाल यहाँ पर अब ठंड का कहर जारी है। लगातार कई दिनों से यहाँ पर राज्य में कनकनी वाली ठंड है। वही कल भी यानी यहाँ पर मंगलवार को भी यहाँ पर कई जिलों में यहाँ पर गुनगुनी धूप यहाँ पर रही, लेकिन ठंड का एहसास दिन में भी यहाँ पर होता रहा। वही पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवाओं से बिहार के कई हिस्सों में यहाँ पर कनकनी बढ़ गई है। वही अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी मध्य भागों में कुछ शहरों में कोल्ड की स्थिति बने रहने के आसार है। इसमें यहाँ पर पटना, नालंदा, गया, शेखपुरा और इसके अलावा नवादा, शेखपुरा के अलावा यहाँ पर जहानाबाद शामिल है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट यहाँ पर ये दिया गया है। प्रदेश में भी यहाँ पर मौसम शुष्क होने के साथ साथ कुछ स्थानों पर मध्यम और घना कोहरा छाए रहने के आसार है। वही लोगों को यहाँ पर घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। वही अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति यहाँ पर रहेगी। वही राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री गिरकर 17.2 डिग्री के आसपास यहाँ पहुंचा है। वही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट यहाँ पर लगातार दर्ज यहाँ पर की जा रही है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास आज रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है।